दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम आए हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन साथी जयपाल चौहान जी के नीलोखेड़ी कस्बे के गांव रायपुर उड़ान में, और इनकी बहुत ही शानदार फसल बासमती कितना नंबर है चौहान साहब? SR30 इस एकड़ में आए हम, और यहां पर हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन किसान भाइयों से। राम राम जी। राम राम जी। ये हमारे जयपाल चौहान जी हैं, और साथ में हमारे मास्टर राजवीर जी हैं, और अभी आगे से इनके इनसे पूछेंगे कि इनको फसल में बेहतरीन रिजल्ट कैसे मिले और इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया। हाँ जी चौहान साहब। हाँ जी नमस्ते जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये हमारी जो बासमती धान है, CR30 भी बोलते हैं इसको, तो ये 150 दिन की किस्म है, और मैंने इसके अंदर जो वेलजन कंपनी के, जैसे मैंने PR26 में ट्रीटमेंट किया था, वैसे मैंने बासमती में भी ट्रीटमेंट किया, और बासमती में मैंने इसका जो अर्थवेल ग्रेनुअल है वो डाला, और फर्स्ट खाद में जो है फ्लेक डाला आधी किलो वाला भाई। तो इनका मैंने ये रिजल्ट पाया कि मेरे पौधे, मेरी हाइट, मेरे जो मास्टर जी खड़े हैं इनकी हाइट 6.5। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपके सामने लाइव है, और ये लगभग मैं कह सकता हूँ कि 5 फीट तक चौहान साहब तो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है पौधा। मेरी आंखों तक है जी, ये देखो जी, 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 ये बिल्कुल आप इसमें देख सकते हो, और पूरे खेत में 2 एकड़ में बहुत बढ़िया। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, दर्शकों को, सभी को, और पूरी की पूरी आज से 15 से 20 दिन के बाद ये फसल पक्के तैयार हो जाएगी, और इसके अंदर कोई वही PR की तरह जो मैंने पहले एक वीडियो PR की बनाई थी, तो उसमें मैंने DAP का प्रयोग नहीं किया था, क्लोरो का प्रयोग नहीं किया था, और यूरिया नाम मात्र का प्रयोग किया। और बासमती में तो मैं सच बताऊं आपको, प्रति एकड़ 1 कट्टा मैंने यूरिया डाला है, कोई DAP नहीं डाला, और जो ये अर्थवेल ग्रेनुअल और फ्लेक मैंने ये डाले, और जैसा मेरे को कंपनी में बताया गया था कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे काम करता है, तो वास्तव में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तो, इसने प्रयोग काम नहीं किया। तो चौहान साहब क्या कहना चाहेंगे आप किसान भाइयों को कि इस प्रोडक्ट के बारे में? मैं किसान भाइयों को तो मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपनी खर्चे को घटाएं और पैदावार को बढ़ाएं। हम पैसे कमा करके शायद बचत ना कर पाए, हम बचत करके जरूर अमीर बन सकते हैं, बचत करके अपने खर्चों को हम कम कर सकते हैं, और बचत इसमें यह है कि जो DAP की कॉस्ट है 1350 रुपये वो मैंने डाली नहीं, क्लोरो 500-600 की आती है वो मैंने डाली नहीं, तो इसकी ये बचत ही हुई। यूरिया मैंने 2 से 2.5 कट्टे डाल देता था, वो नहीं डाले, तो और पैदावार आपके सामने है, इसमें कोई बनावटी बात अगर हम कर रहे हो तो हमें फिर बता सकते हो, हम बिल्कुल लाइव। मैं आपको बिल्कुल दर्शकों को नीचे से दिखा रहा हूँ फसल के बारे में, ये पूरी जो है ना फसल है, और पूरी जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से है, और मैं अब मास्टर जी से आवेदन करूंगा कि मास्टर जी भी कुछ फसल के बारे में बताएं कि फसल कैसी लग रही है। मास्टर जी आपको जी नमस्कार। नमस्कार जी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो फसल है आपके सामने है बहुत अच्छी है, इन्होंने हमारे सामने जो प्रोडक्ट डाले हैं बहुत अच्छे हैं, खर्च बहुत कम है, और इसमें से पैदावार का भी दिखाई दे रहा है कि कहीं कोई भी पौधा खराब नहीं है, सभी हाइट सेम है सबकी, और ग्रोथ भी पौधे की बहुत अधिक है। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और एक बार तो कम से कम प्रयोग करके देखें तभी विश्वास होगा। पहले प्रयोग करें फिर विश्वास करें। ये चीज़ है इसमें, अब देखो अब मेरे सामने ये चीज़ें है दिखाई दे रही है आपको, बहुत अच्छी लग रही है पैदावार। मैं तो गेहूँ में और जीरे में दोनों में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका प्रयोग करें सभी। जी जी बहुत बढ़िया मास्टर जी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये चौहान साहब की हाइट को टच करने लग रहा है, लेकिन फिर भी पौधा बिल्कुल हष्ट पुष्ट खड़ा है, पौधा गिरे नहीं, नहीं गिरा हुआ जी, बहुत अच्छा है जी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और एक और भी बेहतरीन बात चौहान साहब ने बताई कि ये जैविक है प्रोडक्ट, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हैं चौहान साहब? बिल्कुल सर, जो आजकल हमारे मतलब कृषि वैज्ञानिक हैं जो वो बोलते हैं कि फसलों के अंदर कैल्शियम डालें, खेतों में कैल्शियम डालें, तो इसके अंदर ऑलरेडी ऐसे तत्व जमीन के अंदर ही हमारे मिट्टी में मिले हुए हैं, मित्र कीटाणुओं को बढ़ाता है, मित्र कीटाणुओं को बढ़ाएगा, और जो जमीन के अंदर से केमिकल की लेयर के बाद जो अच्छे पौष्टिक मिनरल्स हैं वो सारे मिट्टी से ही पौधे को मिल रहे हैं, जिससे हमारे को बीमारियां भी नहीं आएंगी।
सर, इसके बारे में मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, डीएपी और यूरिया का जितना कम प्रयोग करेंगे ना उतने हमारे लिए बेहतर होगा। जी जी, और जी ये चीजें हैं हमारे, जब हम यूज करेंगे तभी हमें इस चीज का अनुभव होगा कि इस चीज का लाभ कितना है। तो डीएपी और यूरिया से जितना दूर जाएंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा होगा, मैं तो ये बात बोलता हूँ। बहुत बढ़िया, जैविक का यूज करें जितना ज्यादा हो सके। और जैविक में जो चौहान साहब ने प्रोडक्ट यूज किया है इसके बेहतरीन रिजल्ट है, और चौहान साहब एक बार दोबारा बताएंगे दर्शकों को कि ये प्रोडक्ट का नाम दोबारा बताएं जरा। बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ, ये पैकेट मैंने संभाल के रखे हुए हैं, मुझे यही था कि लास्ट में हम देखेंगे अपनी, ये अर्थवेल है, ये अर्थवेल फ्लेक में आधी किलो में और ये 4 किलो में अर्थवेल फ्लेक दानेदार, ये दोनों डालने पड़ते हैं चौहान साहब? दोनों सर, अगर पूरा ट्रीटमेंट हम देखें ना जैविक का, तो इसमें ये होता है कि 4 किलो ही आपका पूरा काम करेगा प्रति एकड़, और अगर हम इसको लगातार 2-3 लगातार फसलों में डालेंगे तो डीएपी छूट जाएगा हमारा, डीएपी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। और ये इसकी कॉस्ट अगर मैं बात करूं 1100 रुपए का ये मात्र 4 किलो है, पर वेलजन कंपनी ने मुझे ये लेस पे दिया मात्र 850 रुपए। और इसका बिल वगैरह भी मिलता है आप लोगों को? पक्का बिल मेरे को मिला, और पूरा सरकार TDS जो कुछ कटना था सब कुछ कटा, कोई मतलब किसी का पक्के बिल के साथ मिला, डिस्काउंट मिला डायरेक्ट कंपनी से, ओरिजिनल सामान मैं कह सकता हूँ, मेरे खेत में काम किया ये तो जो मर्जी था, रिजल्ट मेरे सामने। बहुत बढ़िया, और साथ में मैंने पहले यूरिया में आधी किलो इसको डाला है अर्थवेल फ्लेक, ये कम से कम 3 कट्टे का काम तो मिनरल्स में कर देता है। तो चौहान साहब आप इसको प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को? मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल कई महीने से, अब 20 अप्रैल को मैं कंपनी में डॉक्टर साहब से मिला, उसने मेरे को